हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम फल, सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स और घर के मसालों आदि के उपयोग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लौंग। लौंग तो हम सभी लोग इसको जानते हैं। ये छोटी सी लौंग अपने अंदर बहुत सारे औषधीय गुण समाये हुए हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या क्या औषधीय गुण होते हैं इस छोटी सी लौंग में। यदि किसी को दांत में दर्द हो तो उस दांत में यदि लौंग का तेल लगा दिया जाए तो दांत के दर्द में आराम बहुत जल्द मिल जाता है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसके सेवन से शुगर लेवल कम हो जाता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि ये ब्लड को पतला करने का काम करती है। ये छोटी सी लौंग जर्म्स को किल करने का भी काम करती है। यदि किसी के गले में खराश हो गई हो तो लौंग मुंह में डाल लें, उससे उनकी गले की खराश में आराम मिलता है। ये लौंग हमारे भोजन के पाचन को भी ठीक करने का काम करती है। लौंग का तेल यदि सर दर्द में लगाया जाए तो सर दर्द ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम में भी लौंग बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन लौंग को हम लोगों को लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक सेवन करने से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए एक दिन में 3 से 4 लौंग से अधिक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थे लौंग के कुछ औषधीय गुण। आशा करती हूँ ये लौंग के औषधीय गुण आपके लिए उपयोगी होंगे। आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए। आगे आने वाले और अधिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।